प्यार, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और मर्डर। राजस्थान के भरतपुर में हुई एक वारदात पर पुलिस महकमा भी हैरान है। एक पत्नी ने खुद साजिश रचकर अपने पति की हत्या करा दी। हत्या की सुपारी लेने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका प्रेमी ही था। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के इस केस में खुद महिला का बेटा भी शामिल था। तीनों ने मिलकर कत्ल की ऐसी खौफनाक कहानी लिखी जिस पर जो भी सुन रहा है वो सन्न है। उद्योग नगर थाने के अजान गांव में हुई इस वारदात के बारे में गांव वाले दबी जुबान में बात कर रहे हैं। 15 फरवरी को नाथूराम नाम के एक शख्स का शव खेत में पड़ा मिला था। उसकी पत्नी उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए अंतिम संस्कार करा रही थी, तभी पुलिस ने दस्तक दे दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पूछताछ शुरू की तो राज बाहर आने शुरू हुए। नाथूराम को अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में जानकारी मिली तो उसने एतराज जताया। नाथूराम की पत्नी रनिया का उसी गांव में बहन के देवर सुखबीर के साथ अफेयर थे। नाथूराम की पहली पत्नी का बेटा दीपक जमीन बेचने वाला था लेकिन वह उसे रोकता था। वह भी अपनी सौतेली माँ से मिलकर मौत की साजिश में शामिल हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।